सो गाइस, रात के 12:30 बज रहे हैं। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी और उसके बाद एकदम से मेरी नींद गायब हो गई और मेरे बॉडी में बिल्कुल बेचैनी होने लगी। कहाँ मुझे अभी नींद आ रही थी और कहाँ मैं इतनी परेशान हो गई। और यहाँ ये बाप बेटी सोए हुए हैं बिल्कुल आराम से। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर पहले मैं इतनी नींद में हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। और मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे शरीर में चींटियाँ चल रही हैं। तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी और मॉर्निंग में हम लोगों को घर भी जाना था। तो सोते सोते मुझे रात का 1 बज गया, तब जाकर मैं सो पाई हूँ। तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। मतलब नींद आ रही है पर मैं सो नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी पर मैं सो नहीं पा रही थी। मलाई भी ना छानी ना, मलाई चाहिए तेरी मम्मी को बोल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं नहा धो ली हूँ, मैंने मॉइस्चराइज भी कर लिया है स्किन को। 8 बज रहे हैं, मैं 7 बजे उठ गई थी और मैं 1 बजे सोई थी। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब आपको बहुत नींद आ रही हो, आप ना सो तो फिर नींद नहीं आती, फिर वो आपको भी सोने नहीं देती। ऐसा ही है। तो अरुण तो सो रहे हैं बट मेरी बेटी मेरी पूजा वूजा की आवाज़ से उठ गई है। और वो ऐसी बिल्कुल इतनी इतनी सी उसकी आंखें खुल रही थी और जैसे मैं हंस रही थी वो हंस रही थी, जैसे मैं हंस रही थी वो हंस रही थी। तो बस अब अरुण को ही उठाते हैं। फिर उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने बालों की प्रेसिंग कर लूँ। मैंने सर नहीं धोया क्योंकि कुछ दिन से अगर मैं मॉर्निंग में सर धो रही थी, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो अब मैं सर कल ही धोऊंगी, कल श्लोक का बर्थडे है तो कल धो लूँगी। आज मैं ऐसी प्रेसिंग कर लेती हूँ जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं वो सही हो जाएंगे। इस बार मैं साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा क्या बिल्कुल अलग ही लुक जा रही है। इस बार पहली बार जा रही हूँ मैं ऐसे जीन्स टॉप में और जूते। मतलब जीन्स में तो मैं बहुत बार गई हूँ बट हाँ इस बार मैं प्रॉपर ऐसे शूज़ वूज़ पहन के तो सर्दियों वाले लुक में जा रही हूँ। बाबू अब देखो ये इनकी क्या हरकत चल रही है। तो चलिए मैं अपने बालों पर प्रेसिंग कर लेती हूँ। चलो सो मेरा मेकअप हो गया है। तो मैंने काफ़ी मतलब लाइनर पे जोर दिया, लाइनर लिप कलर पे। बिंदी बहुत छोटी सी लगाई, आईब्रो फिल कर ली है क्योंकि जीन्स पहनने वाली हूँ, जीन्स पे इतना कुछ ज़रूरी नहीं होता। इयररिंग्स पहनने वाली हूँ थोड़े कलरफुल से। और अब बारी है मेरी बीटू को तैयार करने की। मेरी बीटू तैयार होगी, अब बेटू तैयार हो गई, अब बेटू तैयार होगी, अब आप तैयार हो गए। नानी पास जाइए, आप नानी पास जाइए। चलो नानी को एक बार बात तो कर लो, चलो एक बार नानी से इसकी बात कराते हैं। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी फुल्ली। ये है मेरा लुक, ये है अरुण का लुक, ये है बाबू का लुक। सो निकलते हैं। आप किधर से? आज एक तीनों फोटो कराएंगे। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं मुजफ्फरनगर के लिए। आज हम लेट हो गए। अरुण ने 10 बजे की बोला था, मैंने 9 बजे की बोला, पर करते करते फिर भी 10 ही बज गए क्योंकि मेरे से इस बार गलत लोकेशन उठ गई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 6 सालों में कि मेरे से इस तरह से हो गया। यहाँ पे भी वोटिंग हो रही है? ना ना, यहाँ तो पर्ची बननी होगी, यहाँ स्कूल होगा ना। अच्छा, थोड़ी सी नींद ले चुकी है, थोड़ी सी और नींद लेगी। 10 बज रहे हैं वैसे, मे भी 2 से 2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। इतना तो लंबा टाइम नहीं लगेगा। उसका हटा लो कम्बल, ऐसे ही रहना खाली। कम्बल हटा लो बेटा का, मेरे बेटा का कम्बल हटा लो। ये इलेक्शन भी आज किस हाल में होते हैं लोग, जैसे कि बस एक जिंदगी ऐसी चालू हो गई। अरे गुरुजी, नहीं सारा तो परेशान करता। हो जाता है और यही था कि सुबह सुबह से काफी एक्टिव हुई सारी चीजें, थोड़ा थोड़ा ये कर वो कर वो कर ये कर, यही चल रहा था। और अब देखते हैं क्योंकि फेयर भी अब एक्स्ट्रा लग जाएगा। रीडिंग डाल दी मैंने और चल दिया। अब देखते हैं कितना आता है, जाना तो है, अब पहुंचना था।
सो मम्मी के यहाँ पे काफ़ी मौसम ठंडा है, यहाँ के मौसम और वहाँ के मौसम में तो बहुत फ़र्क है। तो अभी सो के उठी है, वैसे अच्छे से नींद नहीं ले रही है। नई जगह पे थोड़ा सा तो ऐसे करती ही है, और यहाँ मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है, कभी कभी बेकार भी हो जाती है, बट अभी तो अच्छी हो गई है। तो अभी अरुण बाहर गए थे कुछ सामान लेने श्लोक के बर्थडे का, वो भी आ गए, और अभी यहाँ पे अपना कर रहे हैं बनाना टाइम। और ये कोकी कोकी मेरी जर्किन पहन के बैठा है, और मैं अपने हस्बैंड की जर्किन पहन के बैठी हूँ। तुम किसके पहनने वाले हो? दिन में हमने चने चावल खाए थे, जैसे हमेशा का ये रूल होता है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं हम चने चावल ही खाते हैं, ये फिक्स हो चुका है वैसे। हाँ तो एक व्लॉग मैंने डाल दिया था जब हम घर से मतलब तैयारी का डाला था, हाँ ये वाला व्लॉग मैं डालूंगी अब यहाँ आने का, और कल 2 दिन व्लॉग शूट होंगे श्लोक के बर्थडे का और कोको के बर्थडे का, उसके बाद मैं शायद 1 दिन का गैप लूंगी, उसके बाद फिर अगले दिन वीडियो शूट होगी। दुम अरुण को खेलने में लग रही है अभी तो। दुम 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 दुम। यहाँ पे अरुण के टोपा लगाए हुआ ही है क्योंकि ठंडा मौसम है काफी, ठंडा मौसम है काफी, ठंडा मौसम है काफी। स्वरू खेल रही है अपने पापा के साथ, मम्मी काट रही है फ्रूट्स क्योंकि मेरे पापा नाइट में खाना नहीं खाते हैं, ये उनकी 2 साल की आदत है, वो रात में फ्रूट्स ही खाते हैं, वो सिर्फ दिन में खाना खाते हैं। पापा उधर घूम रहे हैं, यहाँ फ्रूट्स कट रहे हैं, और यहाँ उसका मामा एज यूजुअल फोन में लगा हुआ है, और इसने मेरी जैकेट फिर पहन के बैठ गया। बाबू का ना कंबल हटा दे जरा, आई बात समझ में। मम्मी ने न्यू गद्दे ले लिए यहाँ पे भी और ऊपर हॉल में भी। ये हमारी रसोई है, दूध गर्म हो रहा है, दाल बन चुकी है, चने रखे, मैंने आटा गूंद दिया, रोटी मम्मी डाल देगी, मम्मी अब सेब काट रही है, ये है हमारी बाबू। तो श्लोक का बर्थडे, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ हाथ मुँह धो के, श्लोक का बर्थडे नाइट में भी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो सोच रही हूँ वो भी इस ब्लॉग में ऐड कर दूंगी मैं। और जितनी मैंने 1 महीने से डाइटिंग करी थी ना, मुझे लग रहा है सब आज मेरी खत्म हो गई। मम्मी के हाथ के चने चावल खाए मैंने, जो हमेशा फिक्स होता है कि यहाँ पे आके हम चने चावल ही खाते हैं, और मैंने बहुत ओवरलोड खा लिए हैं। और मम्मी ने दाल बनाई है, मुझे उनके हाथ की दाल भी बहुत पसंद है, तो मैं वो भी खा लेने वाली हूँ। मैंने आज गज्जक भी खा ली, 3 खा ली हैं, जबकि 1 महीने से मैंने बिल्कुल बाहर का मीठा नहीं खाया था। और पेस्ट्री भी लाए हैं श्लोक के लिए, तो मैं सोची मैं उनको भी टेस्ट कर लूँगी। मैं सिर्फ 3 दिन करने वाली हूँ ये, उसके बाद मैं फिर प्रॉपर शुरू कर दूँगी मेरी डाइटिंग और मेरी एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाएगी। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे ये सब हो जाएगा आराम से। और दीपा भी आईने पर भी वो नाइट में आ जाए, हम कल मॉर्निंग में आ जाए, तो कल का व्लॉग अलग होगा, ये व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूँगी श्लोक के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद। तुझे अपने कपड़े कैसे लगे जो हम लाए? I like this one. और वो ठीक ठाक, ठीक है तो उन्हें मैं ले लूंगी। ये मैं पहन के आई थी जैकेट, और इसने ये तुरंत ले ली, कोई बात नहीं, इसे अच्छी लग रही है तो ये ले लेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अरु के लिए मम्मी ने 2 जर्सी बनाई हैं, वो मतलब सिली नहीं है अभी, एक तो ये री, इसमें छोटी छोटी सी तितली उन्होंने डाली है, और एक अभी सिली हुई नहीं है, वो सिलेगी अभी। यहाँ पे आके पता है इतना रिलैक्स हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि एक आउटिंग हो गई, जहाँ मतलब आके अच्छा लगता है। और मैं इस बार भी रहने वाली हूँ, ऐसा भी मैंने सोचा ही है कि मैं 2 हफ्ते रहूंगी, मे भी मैं 3 हफ्ते भी रह सकती हूँ, ज्यादा भी रह सकती हूँ, वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड है कि कब तक मैं रहूंगी। अच्छा जी, अमरूद खा रही है, अमरूद दूध पिया नहीं जाता मैडम, तो ऊपर का अमरूद खा रही है। सो 12 बज गए हैं, श्लोक का बर्थडे है, शादी हो रही है, बहुत शोर हो रहा है।
शादी थी सच में, इतना शोर हो रहा था ना, अरु उठ गई और अब उस सोने का नाम नहीं ले रही है। दीपा भी आने वाली है, रात के 1 बजे तक आएगी, इससे तो वो सुबह आते तो ज़्यादा सही रहता है। कौन सा टाइम था आने का। अरु भी आ गई अपने मामा का बर्थडे मनाने, और आराम से क्या कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे कल मामा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. इतने सारे ले आए थे, कैंडल ले लाए थे। कोकिया अरु ऐसे उधम में लग रही है, सोएगी है, बस ये सोने को कर रही है। मोमबत्ती चक्कू ही ला रहा खाली, मोमबत्ती खोल काटोगे कैसा है सड़ा, देख थोड़ी ना एक ऐसी काट ले ना, एक सैंडविच खोल दे। चलो चलो केक काटो, केक काटो, चला जा, केक काटे, केक काटो, केक काटो, केक काटो, केक काटो, आ जा। हैप्पी बर्थडे टू, खता जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कोकी, हैप्पी बर्थडे। ना 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 कोकी, चटाई मत, चटाई मत, अभी छोटी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, चाकू ही घुसाओगे मुंह में, हाथ में ले लो चाकू, कैसे घुस जाएगा। बार बार बार, आ जा तू, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। शुगर है तुम, मामा का बर्थडे बन गया, मामा का बर्थडे बन गया। चलो चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे टू यू। श्लोक का बर्थडे रात में सेलिब्रेट हो गया, और आज का जो व्लॉग है मैं यहीं एंड कर रही हूँ, उसको मुझे एडिट भी करना है अभी। अभी यहाँ बारात चढ़ी थी जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई, और अरू भी नहीं सो पाई है, और अभी वो लोग आए भी नहीं है, तो थोड़ी सी पेस्ट्री खा के इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई विश आपको ये व्लॉग छोटा सा है पर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।